भगवान ने कान दिए ही निंदा सुनने के लिए नहीं, भगवान ने कान श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, इन कानों का श्रृंगार है हम शास्त्रों को सुने, हम कथा को सुने। कानों का श्रृंगार, कानों में हम सोने के गहने पहन ले, ये कानों का श्रृंगार नहीं। कानों का श्रृंगार तो है, कान तो वो शोभा देते हैं जिन कानों से हम शास्त्र सुनते हैं, हम हरि की कथा सुनते हैं। तो गोपिया कह रही है, भगवान आपने कान दिए आपका गुणानुवाद सुनने के लिए, आपने जीवा दी किस लिए? प्रभु के स्वरूप का रस चखने के लिए जीवा दी है, प्रभु का रस चखने के लिए जीवा दी है। कमल मुख राम भजन कुदिया, कमल मुख राम भजन कुदिया, खाया पिया सुख से सोया, नाहक जमाना खोया, कमल मुख राम भजन कुदिया। क्यों दिया कमल मुख ये रसना, क्यों दी है राम भजन को? एक दिन तो दशहरे के दिन एक माता जी ऐसे जीव की पूजा कर रही थी, जीव की पूजा हो रही थी दशहरे के दिन। तो घर वाले ने पूछा घरवाली को कि ये जीव की पूजा तू क्यों कर रही है? बोले आज दशहरा है तो दशहरे के दिन जीव की पूजा। बोले आपको पता नहीं है दशहरे के दिन शस्त्र की पूजा की जाती है, ये शस्त्र पूजा हो रही है। कोई कोई होते हैं ना जो अपने जीव को शस्त्र बना देते हैं। इन शास्त्र इस जीव से शास्त्रों का वर्णन हो, इस जीव को शस्त्र मत बनाइए। देखो जीव को जो जख्म हो जाती है ना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, जीव की जख्म, दांतों तले दब जाए, कहीं हम गिरे जीव फट गई, उसको ड्रेसिंग करो ट्रीटमेंट करो, जीव ऐसा इंद्रिय है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, जीव बहुत जल्दी, जैसे हाथों में जख्म हो जाए तो बहुत समय लगता है ठीक होने में, लेकिन जीव को जख्म हो जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीव से जो जख्म हो जाए वो कभी ठीक नहीं होती, कभी ठीक नहीं होते। अंधे का पुत्र अंधा क्या हुआ? द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, क्योंकि इन्हीं शब्दों का तो परिणाम था कि ये हमें अंधा कह रही थी, अब हमें आंख है इसे नग्न करिए, दुशासन को आज्ञा करता है दुर्योधन, इसे पता चले हमें आंख है। ये शब्दों का ही तो परिणाम था। और भाई बोए बीज बबूल का तो आम कहां से पाए? आप दूसरों को जैसे शब्दों का प्रयोग करते हो वो उसकी फलश्रुति वही उन्हीं शब्दों को जैसा ही फल आपको मिलता है, आपसे भी वैसा ही व्यवहार होगा। इसलिए जीव हमें रसना जो दी है, हमें जो मुख दिया है वो भगवान का भजन करने के लिए दिया है, न कि किसी को ठेच पहुंचाने के लिए, न किसी को वेदना देने के लिए। तो जीवा जो भगवान ने हमें दी है वो भगवान का जो रस है, हरि नाम संकीर्तन का जो रस है, उस रस को चखने के लिए दी। और हे भगवान, अब जो बात कहनी थी गोपियों को वह कह रही है, अब ये कान आंख ये रसना बीच में क्यों आई? अब उन्होंने कहा उसी तरह, हे प्यारे ये जो त्वचा आपने दी है ना भगवान, ये स्पर्श का अनुभव करने के लिए दी है, इसलिए हमें आपको स्पर्श करना है, आपको देखना है।
भगवान जैसे आपने नासिका दी तो ये नासिका श्वास ग्रहण करने के लिए दी है, जैसे कि नासिका आपने सुगंध को प्राप्त करने के लिए दी है, श्वास ग्रहण करने के लिए दी है, कान आपने कथा सुनने के लिए दिए है, आपने रसना गुणानुवाद करने के लिए दिए, उसी तरह भगवान आपने नयन हमें आपके दर्शन के लिए दिए है ना, नहीं तो फिर इस नाक की जरूरत क्या है, इस कानों की कौन जरूरत है, इस आंख की, इस रसना की जरूरत क्या है। इसलिए आपने आंख दी है तो हम उस आंख से आपके दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए आप वापस प्रकट हो जाइए और हमें दर्शन दीजिए। ये जो चर्चा है ये वेणु गीत में बढ़िया चर्चा आती है। जो रास पंचोध्याय है तो वेणु गीत में गोपियों ने यही बात प्रधानता से कही है वेणु गीत में, कि बहुत बढ़िया वेणु गीत की भी चर्चा है, उसमें इंद्रियों की चर्चा आती है कि कैसे हम इन इंद्रियों को भगवान में लगाए और कैसे गोपियों ने अपने पूरे इंद्रियों को भगवान में लगाया है, इंद्रियों से उस ब्रह्म रस को उन्होंने प्राप्त किया है। तो जो ज्ञानी लोग हैं उन ज्ञानियों की इंद्रियां निष्फल हो सकती है, जबकि भक्त की इंद्रियां सफल हो जाती है, क्योंकि भक्तों की प्रत्येक इंद्रिय का विषय भगवान स्वयं बन जाते हैं। यह ज्ञानी और भक्त दोनों की बात आती है, क्योंकि उद्धव ज्ञानी थे और ये भक्तिमती थी गोपियां। तो उद्धव जी ने कहा था, आज तो मैं मानता था कि मैं बड़ा हूं, मैं ज्ञानी हूं, लेकिन आज तो मैं चूर चूर हो गया जब गोपियों के भाव को मैंने देखा। मैं तो भगवान ज्ञान से भगवान को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये गोपियां तो मेरे से भी श्रेष्ठ है। मैं ज्ञान से जिसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये गोपियां उसको अनुभव कर रही है। जैसे शक्कर के बारे में सुनना और शक्कर का स्वाद लेना फर्क है। शक्कर की चर्चा सुनते रहे तो आनंद नहीं आएगा, जो आनंद शक्कर को ग्रहण करने में आता है। उद्धव जी तो कह रहे थे, मैं तो शक्कर के बारे में सुन रहा था, ये तो शक्कर खाई जा रही है और आनंद ले रही है गोपियां। इतना फर्क था, उद्धव ज्ञानी है और गोपियां भक्तिमती है। ये भक्त तो ज्ञानियों में थोड़ा चिंतन है संतों का ही, कि ज्ञानियों में इंद्रियां कभी कभी निष्फल हो सकती है, लेकिन जो भक्त है उनका उनकी इंद्रियां सुफल हो जाती है, क्योंकि उनके हर इंद्रिय का विषय भगवान होते हैं, उनके हर इंद्रिय का विषय भगवान, इसलिए वो निष्फल नहीं होते, वो सुफल हुआ करते हैं। इसीलिए हमें वेदों को हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते वो अलग बात है, लेकिन हमें संस्कृत पढ़ने तो वैसे आना ही चाहिए। हमें किसी भगवान के किसी स्वरूप का और अलग किसी शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास हो न हो, होना चाहिए, न हो तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हम भक्त तो बने, हम भक्ति तो करें, अपनी इंद्रियों को भगवान, अपनी इंद्रियों का विषय भगवान तो बना दे। गोपियों की तरह फिर हम भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। इसीलिए भक्ति की व्याख्या यहाँ पर की गई है और भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहने का आग्रह यहाँ पर हो रहा है, कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि देखो आपके पास ज्ञान हो, जैसे कि आप श्लोक बोल रहे हो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संस्कृत का श्लोक तो मैंने बोल दिया,
लेकिन मैं श्लोक में प्रार्थना कर रहा हूं कि सर्वेत्र सुखी न संतु, सब सुखी हो, सब निरामय हो, किसी को कोई दुख न हो। मैं संस्कृत श्लोक के द्वारा प्रार्थना तो किए जा रहा हूं, लेकिन मैं ही किसी के दुख का कारण बना। तो श्लोक याद करने से, श्लोक को पढ़ने आने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को दुख पहुंचा नहीं रहा हूं, मैं किसी के दुख का कारण नहीं हूं, तो श्लोक बोलते आए न आए आप भगवान के प्रिय बन जाओगे। मुझे उस श्लोक को आना जरूरी नहीं है, श्लोक का भाव मेरे जीवन में हो, आता है तो और अच्छी बात है, लेकिन श्लोक का भाव मेरे जीवन में हो। ये गोपियां कह रही है, जैसे एक बालक मंदिर गए अपने पिताजी के साथ, पिताजी मंदिर गए, वो छोटा सा बालक था वो भी मंदिर गया, और पिताजी प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, आंख बंद करी और प्रार्थना, मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, मुंह हिल रहा था। अब बेटे ने अपने पिताजी को देखा कि पिताजी प्रार्थना कर रहे हैं, अब मुझे तो प्रार्थना नहीं आती, लेकिन भगवान के सामने अब जैसे पिताजी कर रहे थे वैसे मुझे करना चाहिए, तो आंख बंद करी। अब प्रार्थना तो पता नहीं, प्रार्थना तो करनी चाहिए, तो उसने कोशिश की, पिताजी की आंख खुली, बेटे की ओर देखा तो बेटे ने हाथ जोड़े थे और कुछ बड़बड़ा रहा था। बाप को अच्छा लगा, थोड़ी देर बाद आंख खुली, प्रणाम किया, बोले बेटा चले, बोले जी पिताजी। देखो एक बात साथ साथ में कह दूं, आप अपने बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाए, कोई मुझे गिला सिकवा नहीं है। आप उसे यात्रा में, जो जत्रा होती ना, जत्रा और यात्रा में फर्क है, जो ऐसे मेले लगते हैं और भी कई तरह के, मेले में घुमाने ले जाओ, मार्केट में घुमाने ले जाओ, मॉल में घुमाने ले जाओ, आप उसे घुमाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे फिल्म देखने ले जा रहे हो, जैसे मेले में घुमाने ले जा रहे हो, किसी बड़े मॉल में घुमाने ले जा रहे हो, उसी तरह अपने बेटे को मंदिर भी ले जाने की कोशिश करना, उसी तरह अपने अपने बेटे को वहां भी ले जाने की कोशिश जरूर करना, ये मेरा आग्रह है। तो पिताजी बेटे को ले गए, प्रार्थना हो गई, बोले बेटा चले, बोले चलो पिताजी। जैसे मंदिर से बाहर निकले, पिताजी के मन में हो रहा था इसे कौन सी प्रार्थना आती होगी, प्रार्थना बोल रहा था, मैं भी तो सुनो। बोले बेटा हमने तो कभी आपको प्रार्थना सिखा ही नहीं। बोले नहीं, तो आप प्रार्थना तो बोल रहे थे बेटा, कौन सी प्रार्थना बोल रहे थे आप? छोटा सा बालक था, अभी नर्सरी में ही जा रहा था, तो कौन सी प्रार्थना बोल रहे थे? बोले पिताजी मुझे कहां प्रार्थना आती है, कहां स्तुति श्लोक मुझे आता है। बोले आप तो बड़बड़ा रहे थे, तो फिर क्या बड़बड़ कर रहे थे आप? बोले पिताजी प्रार्थना नहीं बोल रहा था, मैं तो बोल रहा था कि पिताजी प्रार्थना कर रहे हैं उनको आती है, हे भगवान मुझे तो कोई प्रार्थना नहीं आती, लेकिन करनी तो चाहिए, जब तेरे मंदिर आया, तेरे मंदिर आ ही गया हूं तो प्रार्थना करनी चाहिए, तो मैंने पिताजी बोल दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, मैंने बोले ए बी सी डी बोल दी, और भगवान को कहा इसमें जो तुझे प्रिय लगेगी वो प्रार्थना तू अपने आप बनवा ले, जो तुझे प्रिय हो, जो तुझे तेरी हृदय को तेरे मन को छू जाए प्यारे, वो प्रार्थना तू इसमें से बना ले। पिताजी ने कहा बेटा तू तो मेरा बाप निकला, कितना भाव है, इतना भाव, और इस तरह से मैं भी आज तक मंदिर में नहीं आ पाया। तो भगवान को आप कौन सा श्लोक बोलकर स्तुति कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, जो श्लोक बोल रहे हो क्या उस तरह जीवन को आप जी रहे हो। भगवान को समझो मत, भगवान को जियो। गोपियां जी रही है,
क्योंकि भगवान नहीं समझ सकते। दूसरी बात साथ साथ कह दूं कि बुद्धि से भगवान को समझना छोड़ दे और गोपियों की तरह राधा महारानी की तरह हृदय से समझने की इस भगवान को कोशिश करिए और देखिए कितना आनंद आता है। जब हम बुद्धि से सोचने की कोशिश करते तब तर्क वितर्क आते हैं, शंका कुशंकाएं आते हैं, तब हम विचलित हो जाते हैं जब बुद्धि से सोचते हैं। लेकिन अगर हृदय की गहराई से सोचोगे ना भगवान के बारे में, तो प्रेम जगेगा, भाव जगेगा और उस आनंद की अनुभूति आप प्राप्त कर सकोगे। ये बुद्धि ही तो परेशान करती है मुझे आप सबको, कैसे है भगवान, कहाँ रहते हैं भगवान, क्या करते हैं भगवान, यही भगवान क्यों, वो भगवान क्यों, इस मंदिर में क्यों, वो मंदिर क्यों, पहले तो गणेश जी की पूजा हो, पहले तो कृष्ण की पूजा हो, नहीं पहले तो कृष्ण की हो, बाद में गणपति महाराज की हो, नहीं पहले तो अन्नपूर्णा माँ की हो। हम बुद्धि से समझना चाहते हैं, हम बुद्धि से पूजा करना चाहते हैं। मैं सोने के भगवान बनवाऊँ, मैं चांदी के बनवाऊँ, मैं पीतल के बनवाऊँ, मैं मिट्टी के बनवाऊँ, मैं भगवान का मंदिर जो है लकड़े का बनवाऊँ, मैं वो संगमरमर का बनवाऊँ, मैं वो जमीन पर रखूँ, मैं जमीन से ऊपर रखूँ, मैं ईशान कोने में रखूँ, मैं और किसी कोने में रखूँ, मैं करूँ क्या करूँ, मैं कितना कितने लाख का मंदिर बनवाऊँ और कौन से धातु से मंदिर मैं मूर्ति बनवाऊँ जब भगवान की कृपा होगी। आप बुद्धि से पूजे जा रहे हो भगवान को, हृदय से पूजा होता तो ये तर्क वितर्क मन में नहीं आते। तब तो किसी मूर्ति के, पत्थर की मूर्ति के सामने भी जाकर बैठते हो तो मेरे राम कृष्ण परमहंस की तरह आप उस मूर्ति से भी बात कर सकते हो। राम कृष्ण परमहंस उस पत्थर की मूर्ति से बात करते थे, महाराष्ट्र के संत नामदेव उस विठल भगवान की मूर्ति से बात करते थे, पत्थर की मूर्ति नामदेव से बात करती थी, उस पत्थर की मूर्ति को भोग खिलाते थे संत नामदेव महाराज, बात करती थी मूर्ति, वो पत्थर वाली मूर्ति बात करती थी। मैं मेरी और आपकी बात करूं तो हमसे तो पड़ोसी बात नहीं करते, इतना दूर है अभी गोपी भाव, हमसे पड़ोसी बात नहीं करते और यहां पत्थर बात करते, बस इतना हमें अपना निर्माण करना होगा। तो कहने का मेरा भाव है कि ये जो गोपियां है, ये गोपियां भगवान से जुड़ी है और ये गोपियां भगवान को चाहती है। इन गोपियों ने अपने इंद्रियों का विषय भगवान को बना दिया है, इनका विषय भगवान है और कहती है महाराज दृश्यताम, हमें दर्शन दीजिए, आप हमारे इंद्रियों के विषय बनिए। गोपियां वहां पर प्रार्थना भगवान को कर रही है। भगवान पूछते हैं हे गोपियों, अब गोपियों को सवाल पूछते हैं कि अन्य कोई भी नहीं और मैं ही तुम्हारे आंखों का विषय क्यों बनूं, मैं ही आपके विषय, मैं ही आपकी आंखों का विषय क्यों बनूं, ये तो बताइए। तब गोपिया कहती है हे प्रभो ताव कहा, हे प्रभो हम आपके है श्याम सुंदर, आप हे प्रभु श्याम सुंदर हम आपके है, मैं ही आपके आंखों का विषय क्यों बनूं, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, तमे छो हमारा ने अमे छे तमारा, जन्म जन्म साथे रह जो रे, अटोलो संदेशो मारा, गुरु जी ने कहे जो आप तो जन्म जन्म के हमारे हैं, कि आप हमारे हो और हम आपके हैं, इसीलिए आप हमारे आंखों का विषय बनना चाहिए। तो फिर भगवान कहने लगे कि आप हमारे हो इसकी खातरी क्या है, मैं आपके विषय आंखों का विषय क्यों बनूं। गोपियों ने कहा क्योंकि आप हमारे हो और हम आपके, तो आप मेरी ही हो इसकी गारंटी क्या है, उसकी खातरी तो देनी पड़ेगी कि आप मेरी ही हो।
तब गोपियों ने बहुत बढ़िया बात कही। प्रत्युत्तर में गोपियां कहती है कि त्वई ध्रुतास्व। गोपियों ने जवाब दिया, हमारे प्राणों को हमने आपके अंदर पधरा दिया है, हमारे प्राणों को आप में हमने समाहित कर दिया है, ये उसका गारंटी कार्ड है, प्रमाण पत्र है कि हम आपके हैं। हमने अपने आप को, अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया है भगवान, आप में समाहित कर दिया है, इसीलिए हम आपके हैं। अब यहां हमें भी जवाब मिलता है कि हमें भी अगर भगवान का बनना हो तो हमें भी भगवान को सौंप देना पड़ेगा कि अपने आप को भगवान को सौंप दे, भगवान की मर्जी से जीने की कोशिश करे, फिर हम भगवान के बन सकते हैं। वैसे गोपियां जवाब देती है, और हे भगवान, अपने हमें हमने अपने प्राण अर्पण कर दिए आपको, आप अपने प्राण आपके हाथों में दे दिए, आप बताइए ना, प्राणों से बढ़कर कोई अन्य अर्पण इस जगत में है भी? प्राणों से बढ़कर और कोई चीज है जो अर्पण की जा सकती है? भगवान को कहती है कि हमने सबसे, क्योंकि आप सबको, मुझे और हम सबको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? हाँ, मुझे और आप सबको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? अपने प्राण। अपने प्राण प्रिय है हम सबको। जब भूख लग जाती है तो औरों की बात में पहले खुद के पेट की चिंता होती है, भूख से मर न जाओ, चाहे किसी के हाथ का निवाला, किसी के हाथ की रोटी छीनने पड़े, छीननी पड़े, प्राण जो प्यारे है। तो सबसे प्रिय हमारे शरीर में हमारा प्राण है सबको। तो गोपियां कह रही है कि हमें सबसे प्रिय जो प्राण है वो हमने आपको दे दिए ना, और प्राण से बढ़कर अर्पण करने के लिए और है भी क्या? इसलिए गोपियां कहती है, भगवान को प्राण दे दीजिए, भगवान के बन जाइए। गोपियों ने बहुत सुंदर जवाब भगवान को दिया। गोपियां कहती है, अरे भगवान, हमने हमारे आत्मा और प्राण को आपको सौंप दिए हैं, हम आपके बन गए हैं, और क्या मतलब? गोपियां कह रही है, अपने आप को भगवान को अर्पण करिए, किसी और को माध्यम मत बनाइए, हम खुद भगवान के बने, हम पवित्र बने। हे सखियो, भगवान हंसते हंसते सखियों को कहते हैं कि आपने अपने प्राण मुझ में अर्पित कर दिए हैं, तो मैं एक आपसे सवाल पूछूं, एक प्रश्न पूछूं। गोपियां कहती है, ठीक है। भगवान पूछते हैं कि तुमने मुझे अपने प्राण अर्पित किए हैं, तो मेरे विरह में आपके प्राण पखेरु उड़ क्यों नहीं जाते? आपने, मैं आपका प्राण हूं, आपने आपका प्राण मुझे अर्पण कर दिया, आप मेरी बन चुकी, मेरे बगैर जी नहीं सकती, अब मैं तो हूं नहीं, फिर जीवित कैसे हो? मर क्यों नहीं गई? मेरी बगैर तो जी नहीं सकती ना आप, फिर आप जी कैसे रही हो? आप मरी क्यों नहीं, ये बताइए। अगर सचमुच आपका प्रेम होता तो आप जरूर मर जाती। वैसे एक भक्त कवि थे जयदेव नाम के, उस भक्त कवि जयदेव का एक चरित्र आता है कि उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। एक भक्त कवि, आपने कथा सुनी है, आप सभी को पता है, उस भक्त कवि का नाम जयदेव था, उनकी पत्नी थी पद्मावती, स्वरूपवान थी, राजा को प्रिय भी थी, और जो पद्मावती थी उसका बहुत प्रेम अपने पति पर, जयदेव पर, जयदेव का भी बहुत प्रेम था। पद्मावती की प्रेम की चर्चा तो सब में थी कि पति में बहुत श्रद्धा है, प्रेम है। एक दिन हुआ क्या कि राजा ने अपनी जो सब रानियां थी उन रानियों के समक्ष पद्मावती के गुणों की प्रशंसा की और कहा, पद्मावती जैसा
किसी का भी प्रेम मेरे ऊपर नहीं है। अब रानियां क्यों सुने, हमारा भी तो प्रेम है। रानियां क्यों सुने, रानियों को ईर्ष्या होने लगी पद्मावती के ऊपर, और सब रानियों ने ऐसे सोचा, ईर्ष्याग्नि से जलने लगी और ऐसे सोचा कि अब इस पद्मावती का हम पद्मावती की हम परीक्षा तो लेवे, कैसा प्रेम है। तो परीक्षा लेने का मन हुआ, इन्होंने क्या किया, एक दिन राजा जयदेव जी शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए। तब कुछ घंटों के बाद इन रानियों ने क्या किया, मरे हुए सिंह के खून से राजा के कपड़े, वो खून जो था मरे हुए सिंह का, वो राजा के कपड़ों को लगाया और वो खून से भरे हुए कपड़े पद्मावती को दिखाए और पद्मावती से झूठ कहा। पद्मावती को कहा, रोते रोते नाटक करते हुए कहा, देखो हाँ हमारे पति जयदेव को सिंह खा गया, हमारे पति नहीं रहे, जयदेव की मृत्यु हो गई। सब रोने लगे। पद्मावती ने जब अपने राजा के उन वस्त्रों को देखा, वो विरह करने लगी, वो शोक करने लगी और शोक करते करते मूर्छित होकर वो जमीन पर गिर पड़ती है और जैसे ही वो बेशुद्ध होकर धरती पर गिर पड़ती है, उसी समय उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जैसे ही अपने पति के मृत्यु की बात सुनी, प्राण प्रखेरु उस पत्नी के उड़ जाते हैं। तब सबको पता चला कि हाँ, राजा जो कह रहे थे कि इस पद्मावती का मेरे ऊपर प्रेम है, वो बात सही थी। इसी तरह भगवान पूछ रहे हैं कि आपका अगर मेरे पर प्रेम होता तो आप मर नहीं जाते। तब गोपियों ने बहुत सुंदर वहां पर जवाब दिया कि भगवान आपकी बात सही है, लेकिन हे श्याम सुंदर, हमने अपने प्राण तो वैसे ही आपको अर्पण कर ही दिए हैं, अब हमारे प्राण हमारे पास है कहा, और भगवान अब यदि आपने किंचित मात्र भी विलंब किया तो हमारे प्राण पखेरु भी, हमारे प्राण भी उड़ जाएंगे, और भगवान अब हमारा प्राण भी अब नहीं बच सकता। जब हमें ये प्रतीत होगा भगवान कि अब हमारा जीवंत रहकर कोई उपयोग नहीं है, अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है, तो भगवान हमारे प्राणों को चल बसने में क्षण भर का भी विलंब नहीं लगेगा। हमारे जीवन का महत्व आपसे है, और जब पता चलेगा आप हो ही नहीं, आओगे ही नहीं, तो उसी क्षण, अब तो आस है ना भगवान आप आओगे इसलिए जी रहे हैं, लेकिन जब फिक्स हो जाएगा आप आ ही नहीं रहे हो, तो क्षण का भी विलंब नहीं होगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारे प्राण प्रखेरु उड़ जाएंगे। भगवान, ये गोपिया भगवान को कह रही है कि हमारे प्राण धन तो हे परम कृपालु आप हो, और इसलिए गोपिया भगवान को प्रार्थना करती है। तेरे दर को छोड़ कर, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुन
याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, लाखों कष्ट उठाए ना जानूं इस जीवन अंदर कितने धोखे खाए से, वो शर्मिंदा आप से क्या बतलाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुना करने देते हैं, कभी जी चाहो मिलूं आपसे रोक मुझे देते हैं, रोक मुझे देते हैं, कैसे स्वामी आपका कैसे स्वामी आपका दर्शन पाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुना सभी का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं, तुझसे सब वर पाते हैं, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही भर दो झोली मेरे दाता, भर दो झोली
चाहता खाली न जाऊ सुनता मेरी कौन है सुनता मेरी कौन है इसे सुनाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं कि हे प्यारे कृष्ण कि हम आपके दर को छोड़कर कहा जाए सुनता मेरी कौन है किसे सुनाए हम भगवान आपने ही तो हमारी सुनी आप ही तो सुनते हो और तो सुनाते हैं बस एक आप हो जो सुनते हो इसलिए आप हमारी बात सुनिए और हमें दर्शन दीजिए गोपिया भगवान को प्रार्थना कर रही है भगवान को विनती कर रही है आइए हम गोपी गीत के दूसरे श्लोक का चिंतन करते हैं दूसरे श्लोक को स्पर्श करते हैं शरदुदाशये साधु जात सत सरसी जोदह दूसरा जूत है ये जूत ये सारी गोपियां भगवान को प्रार्थना करती है लेकिन इन गोपियों का पहले जूत से थोड़ा अलग भाव है पहले गोपियों के मन में हमने देखा दैन्य भाव है क्योंकि गलती का एहसास हुआ ना दैन्य भाव है हम दीन है हमें दर्शन दीजिए दृश्यता हमने उस भाव को स्पर्श किया
अब ये दूसरा जो जूत है, ये गोपिया भगवान को सूरतनाथ कहती है और सूरतनाथ शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान को कह रही है, हे सूरतनाथ। और शरद उदास, ये गोपिया कह रही है शरद ऋतु के सरोवर में। जैसे इस श्लोक में ब्रज की गोपिकाओं ने भगवान के लिए दो संबोधन किए हैं इस श्लोक के माध्यम से। एक किया सूरतनाथ एवं, दूसरा प्रयोग किया वरद शब्द का, वरद कि जो नैनाभिराम है भगवान, गोपिकाओं की वाणी को उनके हृदय मंदिरों में विराज कर दत्त चित होकर सुन रहे हैं, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग गोपिया करती है। गोपिकाओं ने दोनों संबोधन जो किया है उसके द्वारा यह अपने प्राण श्रेष्ठ जो परमात्मा गोपाल कृष्ण है, परमात्मा प्रभु से यही कहा है कि हे सूरतनाथ, हे वरद, आप तो सूरतनाथ है तथा वरदान देने वाले है। सूरतनाथ और वरद कि वरद निघ्नतो नेह किं वदः, कि आप वरदान देने वाले हो, मतलब गोपिया उनके स्वभाव को याद कराती है कि वरदान देने का आपका स्वभाव है। इसी तरह है भगवान कृष्ण, आप हमें दर्शन दीजिए, आप हमें वरदान दीजिए। गोपिकाएं इस श्लोक के माध्यम से अपना भाव प्रकट करती है और गोपिकाएं कहती है, हे प्यारे नंदलाल, आपके जो नेत्र है वो कमल जैसे है। इस श्लोक का भाव है कि आपके नेत्र जो है भगवान वो कमल जैसे है, मधुर है, आपके नेत्र कमल नेत्र है। और वो कहती है आपके नेत्र कमल जैसे है, नहीं नहीं, वो तो कमल की शोभा को भी हरण कराने वाले है, मतलब कमल से भी मधुर आपके नयन है। और दुनिया के हर वो नयन चक्षु सुंदर है जो अच्छाइयां देखते हैं, हर वो आंख पवित्र है जो अच्छाइयों को देखती है, वो आंख पवित्र है, उस आंख की वो साधना है कि वो आंख अच्छाइयां देखती है और अच्छाई देखना पसंद करती है। तो गोपिया कहती है आपके नयन कमल जैसे नहीं, कमल से भी और मधुर है और सुंदर है। और भगवान क्या ऐसे कृपा रंगी नेत्रों के द्वारा आप अपने प्रेमी जनों के प्राण नहीं हर रहे हो? आपके जो सुंदर नयन है उन नयनों से, उन कमल नयनों से आप की दृष्टि जिन पर पड़ती है उनका तो वध ही हो जाता है, वो घायल हो जाता है। हे भगवान, इसीलिए हमारी भी वैसी ही हालत बन गई है कि उन कमल वो नयनों से आपने हमारी ओर देखा और हमारा तो वध ही हो गया। नेह किं वदः, हमारा वध हो गया जैसे आपने हमारी ओर देखा। भगवान के नेत्र जो है वो दो प्रकार के दर्शन देते हैं, भगवान के नेत्र दो प्रकार के दर्शन देते हैं, कृपा स्वरूप में भी और काल स्वरूप से भी वो दर्शन देते हैं। भगवान की आंखों के दर्शन दो प्रकार के, कृपा भी और काल भी, करुणा भी और दंड भी, दोनों के दर्शन भगवान के आंख में होते हैं। जैसे हम अगर स्मरण करें कि जब भगवान क्रोध करके देखते हैं तो वो नेत्र काल स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं, तथा प्रेम पूर्वक देखते हैं तो वही भगवान के जो नेत्र है वो भगवान के नेत्र कृपा स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं, प्राप्त होते हैं, दो प्रकार। अब देखो भगवान, स्मरण करिए भीष्म पितामह को,
कि भीष्म पितामह के ऊपर भगवान को क्रोध हुआ और ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके भागते मारने के लिए भगवान दौड़ पड़े थे भीष्म को, वो भी एक भगवान के दर्शन होते हैं कि कोई कोई बुरा काम करेगा तो भगवान के आंखों के दर्शन वैसे होंगे, फिर भगवान की आंख बड़ी भी हो जाती है, और कोई अच्छा कार्य करता है तो वही आंख है लेकिन अच्छा कार्य करने के लिए वो करुणामयी बन जाते हैं, वो कृपामयी बन जाते हैं। आंख भगवान की वही है लेकिन परिणाम जैसी परिस्थिति है उन परिस्थितियों के अनुकूल भगवान परिणाम देते रहते हैं। गोपिकाएं पूछती है कि हे प्यारे नंदलाल, संतों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, संत भगवान को प्रणाम करता हुआ, हाँ मैं स्वामी जी के साथ आए महाराज श्री को भी, स्वामी जी को भी विनती करता हूँ कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत, क्योंकि कथा के समय संतों का बैठना, संतों का होना, संतों का आगमन शुभ होता है, तो आपका भी बहुत बहुत अभिवादन करते हुए प्रणाम करता हुआ संतों के चरणों में। जी जी अच्छा, क्योंकि संत तो चलते फिरते तीर्थ है। प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। गोपिकाएं भगवान को पूछती है, हे प्यारे नंदलाल, क्या आपने हम पर आपकी ऐसी दृष्टि डाल दी है? हे प्रभु, आप हमें क्रूरतापूर्वक न देखिएगा, अपितु हमें तो आप कृपा दृष्टि से देखिएगा। आपने जिन जैसी नजर उस भीष्म के ऊपर डाली थी वैसे नहीं, आप क्रोधित होकर उस भीष्म की ओर भागते हुए गए थे ना भगवान, नाराज होकर उस दृष्टि से न देखिएगा हमारी ओर, हम तो कोमल है भगवान कृष्ण, हम तो आपके हैं, हमें तो प्रेम की दृष्टि से देखिएगा भगवान। आप अगर हम पर क्रोध करोगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पर क्रोध मत करिए। मतलब गोपियों का भाव है कि हे प्यारे भगवान, हम पे नाराज मत होना, हम पे क्रोध मत करना, हमारे साथ रहना, हमारे पास रहना। गोपिया भगवान को प्रार्थना करती है, जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के जल में, स्वाति नक्षत्र के जल के लिए तरसता रहता है कोई चातक पक्षी, उसी प्रकार भक्तों के नेत्र रूपी चातक भी भगवान के नेत्रों की माधुर्य भाव दर्शन करने के लिए, माधुरी रूपी स्वाति नक्षत्र के बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए तड़पते रहते हैं। उस चातक पक्षी की तरह हमारी आंख भी आपके दर्शन के लिए तड़प रही है भगवान, हमारी आंखों को आपके दर्शन चाहिए। जैसे कोई चातक पक्षी हो, जैसे वो स्वाति नक्षत्र के समल जल के लिए, जैसे स्वाति, देखो यहां संतों ने बहुत अच्छा चिंतन किया है, यह चातक को याद करते हैं। क्यों? चातक को प्यास लगी हो तो स्वाति नक्षत्र के समय जब बरसात हो रही हो, बरसात हो रही हो और जब स्वाति नक्षत्र चल रहा हो, वे ऐसे ही समय चातक पक्षी जो बरसात के जो बूंद है, जल के जो बूंद है, वो अपने श्रीमुख में धारण करते हैं। प्यास लगी हो, स्वाति नक्षत्र चल रहा हो, बरसात न हो रही हो, तो किसी और जगह पे चोंच नहीं डुबोते।
बरसात हो रही हो लेकिन स्वाति नक्षत्र न हो तो प्यासे रह जाएंगे, लेकिन जो चातक है कहीं और जगह जाकर न अन्य। मैं तो मानता हूं जो अनन्य भक्ति है चातक पक्षी से हम सीख सकते हैं, इन गोपियों से सीख सकते हैं, सीख पाते हैं। स्वामी जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर, आप आसन ग्रहण करें। आपको भी बहुत बहुत अभिवादन करता हुआ। चातक को याद करते हैं उसी तरह जैसे चातक को स्वाति नक्षत्र का जल महत्वपूर्ण है और उसी जल को प्राशन करना चाहते हैं, उसी तरह गोपियां भी बस अपनी आंखों से कृष्ण और कृष्ण का ही दर्शन पाना चाहते हैं। इन आंखों से उनको दुनिया में कोई रस नहीं है, दुनिया को देखने का कोई मन नहीं है। जैसे महाराज सूरदास जी की बात आती है कि सूरदास जी की आंख भी भगवान के दर्शन के लिए तरसती थी, उन आंखों को और संसार को देखने का कोई मन नहीं था, संसार की कोई आसक्ति नहीं थी, उनके लिए संसार सुंदर नहीं था, संसार को बनाने वाला उनके लिए सुंदर था, वो उसको देखने का मन करते थे, उन्हीं को देखने का मन होता था। एक गोपी ने तो कहा कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूं तो मेरी सासू माँ जो है वो सासू माँ कहती है जो पल्लू है ना यहां नीचे तक रखना, उस कृष्ण को देखना मत, जो पल्लू है ऐसे नीचे लेना, नीचे तक लेना पल्लू, क्योंकि उस कृष्ण को देखना मत। अब देखने से क्या होगा, इसको जो देख ले मन से उसकी क्या हालत होती है सासू माँ को पता होगी, इसलिए सासू माँ ने कहा कि उसे देखना मत। अब तब की बहुएं मानती थी सासू माँ की बात, तो बहू मान गई बात को और बहू ऐसी पल्लू लेकर चल रही थी तो दूसरी गोपी को कहने लगी क्या करूं, मेरी सासू माँ ने कहा था पल्लू ले लेना, देखना मत, मैं पल्लू ले भी लेती हूं लेकिन मेरी आंख इतनी तरस जाती है कि पल्लू से बाहर निकलने की कोशिश करती है और बाहर निकल कर भी कृष्ण का दर्शन करने की मेरी आंख कोशिश करती है, ये आंख इतनी तड़फ रही है और इतनी तरस रही है कि पल्लू के बाहर भी आकर मैं अपने श्याम को, मैं अपने कृष्ण को देख लूं और उसके दर्शन कर लूं। ये इन गोपियों का भाव था, इतनी आंख इनकी भगवान के दर्शन के लिए तरस रही थी, तो ये भाव उन आंखों में था। और एक ने तो कहा कि ये जो बाबा जी है ना, ये बाबा जी वो बोल रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी को कि ये वयोवृद्ध जो बाबा जी है, वयोवृद्ध जो ब्रह्मा जी है, जिन्होंने हमारे शरीर का निर्माण किया, जिन्होंने हमारे शरीर का निर्माण किया, हमारे नेत्रों रूपी कोठरी पर आपने यह पलकों का पिंजरा बना दिया। कि अरे बाबा जी आप तो हमें मूर्ख लगते हो, ब्रह्मा जी जिन्होंने हमारे शरीर का निर्माण कर दिया, क्योंकि हमारे नेत्रों रूपी जो कोठरी है उसके ऊपर पलकों का पिंजरा बना दिया, हमें निर्निमेश नेत्रों से प्रिय रस का पान करना है और हमारी ये जो पलके है वो बीच में अवरोध निर्माण करती है। अरे ब्रह्मा जी ये पलक जो है, ये पलके आपने दिए ही क्यों? क्योंकि जब हम हमारे प्यारे कृष्ण को देखते हैं, एक नजर से हमारा कृष्ण सामने खड़ा होता है, हम देख रहे होते हैं, ये मूर्ख पलक जो है वो बीच में ही बंद हो जाती है और उतने समय के लिए हमारा कृष्ण हमसे दूर हो जाता है।
आप मुझे बताइए ये पलक बंद होने और खुलने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? कितने मिनट लगते हैं बंद होकर खुलने में? एक पल, एक पल लगता है बंद होकर, पलक बंद होकर खुलने में। गोपिया कहती है अगर ये पलक नहीं होते तो इतना समय भी हमारे कृष्ण हमसे दूर नहीं होते, मतलब एक पल भी ये भगवान के बगैर जी नहीं सकती। जैसे कोई मछली हो, वो मछली जल में रहती है, जल उसका जीवन है, वो जल के बगैर जी नहीं सकती। और कोई उस मछली को जल से अलग कर दे तो वो मछली तड़फती है, वो मछली तड़प रही है और जल को याद कर रही है, जल का स्मरण कर रही है, क्योंकि जल उसका जीवन है, वो जल के बगैर नहीं रह सकती। उस मछली की जो हालत हुई है, जो तड़प रही है, वो मछली जल को स्मरण करते हुए जल की प्राप्ति के लिए जो जीवन है जल उस मछली का, वो जल न मिलने के कारण, जल में जाने के लिए न मिलने के कारण वो मछली तड़प रही है। इन गोपियों की उस मछली की तरह हालत बन चुकी है। ये गोपिया भी उस मछली की तरह तड़प रही है कि कोई हमें उस श्याम से मिला दे, कोई हमें कृष्ण से मिला दे, कोई उसके दर्शन करा दे। उन पेड़ों को, पौधों को वो पूछती थी कि हमारे कृष्ण को देखा? गोपिया भागती भागती जाती, उन पत्थरों को वो गले लगाती, पत्थरों को पूछती हमारे कृष्ण कहाँ है, क्या हमारे कृष्ण को आपने कहीं देखा? हम अपने कृष्ण को ढूंढ रही है और जब तक हमारे कृष्ण हमको दिखाई नहीं देते हमें चैन नहीं मिलेगा। ये हमारी आंख बाहर निकल रही है, कृष्ण कहाँ गए, उस कृष्ण को ढूंढ रही है। उस बांसुरी की आवाज को सुनने के लिए कान तरस रहे हैं, हमारा हृदय रो रहा है। पत्थर को गले लगाती, पत्थर को पूछती हमारे कृष्ण कहाँ है, उन पक्षियों को पूछती क्या हमारे कृष्ण को देखा? उस वृंदावन में, उस गोकुल में अपने कृष्ण को, अपने जीवन को, अपने प्राणाधार को, अपने परमात्मा को गोपिया ढूंढ रही है। कहाँ गए हमारे कृष्ण, कहाँ गए हमारे प्राण, कहाँ गए हमारी श्वास, हमारा जीवन? कृष्ण को ढूंढ रही है, सबको पूछ रही है कृष्ण कहाँ है। जैसे मछली तड़पती है पानी के बगैर, इन गोपियों की हालात बस वैसे ही बन चुकी है, ये तड़प रही।